King Jugnuvar. ये देखो जुगनू, मैंने इसे बहुत मुश्किल से पकड़ा है। कितना अच्छा लग रहा है ना? चलो और जुगनू पकड़ते हैं। वीर, क्या तुम ऐसा जुगनू पकड़ सकते हो? शायद नहीं। जुगनू पकड़ना बहुत ही डिफिकल्ट काम है। इसके लिए ना बहुत तेज स्पीड और चुस्ती की जरूरत होती है। ओ, ये इसे जुगनू कहते हैं। जरा मैं भी तो देखूं। मैंने कभी जुगनू नहीं देखा। कैसे पकड़ा तुमने? देखते हैं ये उड़ता कैसे है। वाव, कितना सुंदर लगेगा ना उड़ते हुए। जुगनू भाई, तुम उड़ जाओ। थैंक यू। ये क्या किया तुमने? मेरे जुगनू को उड़ा दिया। तो क्या हुआ, तुम तो अपनी स्पीड और चुस्ती से उसे फिर पकड़ लोगे। जाओ जाओ, जल्दी पकड़ो वरना वो भाग जाएगा। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तुमने मेरा जुगनू उड़ा दिया। केकी पेकी, वीर की अच्छी धुलाई करो। धुलाई और गधे का पुराना रिश्ता है। Allow me to do it. बंटी, फिर कभी किसी जुगनू को पकड़ के बोतल में नहीं रखना। तुम्हें कोई बोतल में कैद कर दे तो कैसा लगेगा? मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि केकी पेकी, हम अंदर खूब गेम्स खेलेंगे। चलो चलो, जल्दी से मुझे किसी बोतल में बंद कर दो। खेलो ना गेम्स, रो क्यों रहे हो? ओफो जिंटू, उन्हें ठीक करो जल्दी। कितनी बार कहा है ऐसा जादू मत किया करो। दादाजी, बंटी ने एक जुगनू को पकड़ के बोतल में बंद करके रखा था। वीर ने उसे आजाद कर दिया। वीर, तुमने बहुत अच्छा किया। किसी भी जीव को बंद करके रखना बुरी बात है। दादाजी, आजकल यहाँ जुगनू दिखाई क्यों नहीं देते? जुगनू जंगल में होते हैं। यहाँ बहुत लोग हैं, पोल्यूशन बहुत है। धुआं, कार, बस, ट्रक की आवाज, ये सब जुगनू को अच्छा नहीं लगता। एक जमाना था कि यहाँ भी बहुत जुगनू होते थे। हाय वीर, मेरा नाम टिम टिम है। मैं ही वो जुगनू हूँ जिसे तुमने बॉटल से आजाद किया था। ओह, हेलो टिम टिम। वीर, मैंने अपने राजा को तुम्हारे बारे में बताया है। उन्होंने तुमसे मदद मांगी है। मदद? कैसी मदद? हम जहाँ रहते हैं वहाँ काल मकड़ी नाम की एक बड़ी काली मकड़ी ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन हम तुम्हारी दुनिया में जाएंगे कैसे? मैं ले चलूंगा ना, हम सब जुगनू के जैसे छोटे छोटे होके जाएंगे। दादाजी, मैं जाऊँ क्या? दूसरों की मदद करना बहुत अच्छी बात है। तुम जाओ वीर, ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखना। वाह, ये कैसा जादू है, हम अपने आप यहाँ कैसे आ गए? ये मेरे दोस्त जिंटू का कमाल है। महाराजा धीराज, चिमचम आ रहे हैं। महाराज की जय हो। महाराज, ये है मेरे दोस्त वीर, इमली, चुलबुल और जिंटू। वीर, टिमटिम ने तुम्हारी बहुत तारीफ की। तुम एक नेक दिल इंसान हो, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलवाया है। लेकिन तुम इतने छोटे कैसे हो गए? महाराज, ये मेरे दोस्त जिंटू के जादू का कमाल है। काल मकड़ी नाम की एक बड़ी काली मकड़ी ने हमें परेशान कर रखा है। हमारे बाहर जाने के सभी रास्ते पे उसने अपना जाल लगा रखा है। जो भी बाहर जाना चाहता है उस जाल में फंस जाता है और वो उसे खा जाती है। हाँ, हमारा तो यहाँ से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। हम उस ब्लैक स्पाइडर को यहाँ से भगा देंगे, आप चिंता ना करिए महाराज। टिम टिम, इनको पूरा राज्य घुमाया जाए और सेनापति दमदम, इनकी हर तरह से मदद की जाए। जो हुक्म महाराज। Yeah!
यहाँ अटके हो? कल रात से। कल रात से ये फंसा हुआ है, लेकिन स्पाइडर इसे खाने नहीं आए। क्यों? इतने जुगनू जालों में फंसे हुए हैं, लेकिन स्पाइडर ने किसी को नहीं खाया। क्यों? अगर खाना नहीं है तो पकड़ क्यों रही है? क्या पता, इसका जवाब तो वो ही दे सकती है। एयर क्रिकेट, वाव, अच्छा आइडिया है। जिंटू की मदद से हम भी ये कभी खेलेंगे। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? भूल गया। ये कौन सी जगह है? वो देखो, उधर बच्चे हैंडबॉल खेल रहे हैं। ये फुटबॉल की तरह है, बस हाथों से बॉल को पास करना होता है और गोल करना होता है। वाओ, ये गेम बहुत अच्छा है। वीर, तुम भी खेलो ना। वीर, तुम कैसे खेलोगी? इसमें तो उड़ना पड़ता है। जेट पैक ऑन। मैं उड़ सकता हूँ, चलो मैं भी खेलूंगा। हे किड्स, ये मेरा दोस्त वीर है, ये इस टीम में है और मैं उधर वाली टीम में हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके वीर, ऑल द बेस्ट। ये जिंटू कहाँ चला गया? हमारे साथ साथी तो था, कहीं घूम रहा होगा, आ जाएगा। कमाल का खेलते हो। वो देखो, काल मकड़ी बच्चों को पकड़ के ले जा रही है। Allow me to introduce myself. I am काल मकड़ी। सुना है तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं। अब मैं तुम्हें आराम से खाऊंगी। तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। मुझे यकीन हो गया है कि तुम उस ब्लैक स्पाइडर से हमारा पीछा छुड़ा दोगे। आज रात इसी बात पे जश्न होगा। मकड़ी कभी इस तरह जाला फेंक के शिकार नहीं करती, वो जाला लगा के शिकार करती है। ये मकड़ी ऐसा क्यों कर रही है? लगता है कुछ और बात है। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन और क्या बात हो सकती है? वीर, जिंटू का कहीं पता नहीं चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं वो वापस चला गया हो। जिंटू का क्या भरोसा, वो तो चाट खाने वापस चला गया होगा। चिंता मत करो, आ जाएगा। ये ब्लैक स्पाइडर जुगनू को खाने के लिए ये सब नहीं कर रही, वो लोगों को डराने के लिए कर रही है। लेकिन क्यों?
कुछ अजीब तरह से बिहेव कर रहा था। चलो देखते हैं वो इतनी अच्छी पार्टी छोड़ के कहाँ जा रहा है। मेरा डोंकी सेंस कह रहा है यहाँ कोई खतरा है। सब लोग अलर्ट रहो। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वी, तुम महाराज चिमचम की मदद करने आए हो, बहुत बहादुर हो, लेकिन तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा। मेरा मुंह इस तरह से बंद है कि मैं अपने किसी गैजेट को कमांड देकर बुला नहीं सकता। मेरी आवाज ही नहीं निकल रही। काल मकड़ी के जाल से कोई नहीं निकल सकता। वीर, मैं यहाँ का राजा बनना चाहता हूँ, इसीलिए अपनी दोस्त ब्लैक स्पाइडर से यहाँ के लोगों को इतना डरा देना चाहता हूँ कि उनका विश्वास इस राजा से उठ जाए, फिर मैं उसे हटा के खुद राजा बन जाऊंगा। ओ तेरी की, जुगनू लोगों में भी इंसानों वाली पॉलिटिक्स चलती है। डम डम, तुम एकदम डम हो, तुम नहीं बचोगे। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम इस राजा को बचाने आए थे, अब देखो तुम्हारा क्या हाल होता है। मुझे जुगनू खाना पसंद नहीं, मुझे उनके बदन से निकलती रोशनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं तुम लोगों को बड़े प्यार से खाऊंगी। अकड़ बकड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100, 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। मैं इस डोंकी को पहले खाऊंगी, फिर वीर और इमली को। वीर, जिंटू को बुलाओ, वो कहाँ है? यहाँ क्या हो रहा है? काली मकड़ी ने उन लोगों को पकड़ लिया है। वो बहुत बड़ी मकड़ी है। काली मकड़ी? मुझे मकड़ियों से डर लगता है। जिंटू, रुक जाओ। जिंटू, हमें बचाओ। लगता है उसकी याददाश्त चली गई है। वीर, वीर। महाराज, मैं तीर से उस जाले को काट देता हूँ। नहीं, तुम्हारा तीर वीर और उसके दोस्तों को भी लग सकता है। करो, ब्लैक स्पाइडर को तीर से निशाना बनाओ। मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा। टिम टिम को ढूंढो, वो यही कहीं झाड़ियों में गिरा है। चिंटू कौन है? चिंटू तुम हो, ये तुम्हारा नाम है। ओ थैंक्स, मैं भी काफी देर से सोच रहा था मेरा नाम क्या है। ओके बाय बाय, सी यू, थैंक यू। चिंटू कहाँ जा रहे हो? मुझे इस जाल से छुड़ाओ प्लीज। ओ अभी छुड़ा देता हूँ। चिंटू जल्दी से मेरे साथ। टिम टिम को ढूंढो, वो यही कहीं झाड़ियों में गिरा है। अरे चिंटू जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप महल में चलकर आराम कीजिए।
कुछ खाने को मिलेगा क्या? खूब पेट भरकर खाना मिलेगा सिपाही, इन्हें ले जाओ। सॉरी इमली, मैं आवाज नहीं दे सकता, मेरा मुंह पूरी तरह से बंद है। वीर, वीर, बोल क्यों नहीं रहे? चिलपुर, वीर बोलता क्यों नहीं? उसका मुंह खास तौर से बंद किया है ताकि वो बोल न सके। वो बोलता है तो उसके हथियार निकल आते हैं। वो अब कभी नहीं बोल पाएगा। मुझे वीर को बचाना होगा, मुझे वीर को बचाना होगा। वाले जाले में है। टिमटिम तुम? हाँ वीर, जल्दी से यहाँ से निकल चलो। ट्विस्टर सूट ऑन। ट्विस्टर सूट ऑन। मालूम था तुम हमें छुड़ा ही लोगे। टिमटिम ना आता तो पता नहीं क्या होता। थैंक्स टिमटिम। ओह थैंक यू टिमटिम, मुझे तो लगा था कि अब बाहर की दुनिया देखने को ही नहीं मिलेगी। काल मकड़ी आती ही होगी, जल्दी भागो यहाँ से। नहीं वीर, नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बच के कहाँ जाओगे? काल मकड़ी अपना शिकार कभी नहीं छोड़ती। मैं अभी इसे दुलत्ती मार के भगाता हूँ। वीर बचाओ, मैं तुम्हारे साथ रह रहे के खुद को रोबोट डोंकी समझने लगा हूँ, बचाओ। लगता है यहाँ से कोई रास्ता होगा। राजा वही होना चाहिए जो प्रजा की रक्षा कर सके। आप हमारी और हमारे बच्चों की रक्षा करने में असफल रहे हैं। आपको राजगद्दी में बैठने का कोई हक नहीं। हाँ, कोई हक नहीं। तुम लोग ठीक कहते हो, मैं इस राजगद्दी के लायक नहीं। मैं अपना राज मुकुट उतारना चाहता हूँ। आप अपना राजा खुद ही चुन लें। हमारे सेनापति बहुत बहादुर है, आपके बाद राजा बनने का हक सिर्फ उनको ही है। मुझे मंजूर है सेनापति दमदम, तुम एक बहादुर सेनापति हो, मेरी राजगद्दी के असली हकदार तुम ही हो। ये लो मेरा राज सिंहासन और मेरा राज मुकुट। रुकिए महाराज, ये सब सेनापति दमदम की चाल है। काल मकड़ी को सेनापति ने ही बुलाया है, वो उसकी दोस्त है। सेनापति आपको लोगों की नजरों में गिरा के खुद राजा बनना चाहता था। ये झूठ है, सैनिको पकड़ लो इस लड़के को। ये सच है महाराज, मैंने खुद अपनी आँखों से काल मकड़ी और सेनापति को साथ साथ देखा है। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा विश्वासघात। सिपाहियों, दमदम को गिरफ्तार कर लो। मैं वापस आऊंगा और अपनी फौज लेकर आऊंगा, अब कोई नहीं बचेगा। महाराज उसे जाने दो, इससे पहले कि वो यहाँ आए हमें उस पे हमला करना है। काल मकड़ियों को जुगनू के बदन से निकली रोशनी से डर लगता है। हम सब एक साथ मिलके उस पे हमला करेंगे और हमारा हर हथियार चमकदार होना चाहिए। हमले की तैयारी करो। काल मकड़ी, आज उन सबको खत्म कर देना है, कोई नहीं बचना चाहिए। मेरा कोई शिकार आज तक बच के नहीं गया, वीर को मैं छोड़ूंगी नहीं।
अच्छाई की हमेशा जीत होती है और बुराई की हार। इसको तो मैं ठीक करता हूँ। वीर वीर, हम उस काली मकड़ी को मारने कब जाएंगे? वीर, बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हमें बचा लिया। महाराज, अब हमें वापस जाने की इजाजत दीजिए। जिंटू, चलो हमें वापस ले चलो। पहले उस ब्लैक स्पाइडर को तो खत्म कर ले।